ये आजकल सब इतना सिग्मा मेल्स के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? आखिर ये है क्या? दरअसल दोस्तों, इस समय सिग्मा मेल काफी ट्रेंड में चल रहा है। लगभग सभी लोग मेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला अल्फा मेल, दूसरा बीटा मेल। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि सभी मेल्स सिर्फ इन दो कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत से लोग इन दोनों कैटेगरी से परे भी हैं, जो कि सिग्मा मेल की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए जानते हैं कि सिग्मा मेल की कैटेगरी में आने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और अगर आप भी सिग्मा पर्सनैलिटी में आते हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। रूल नंबर वन, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिग्मा मेल ज्यादा सोशल कंपनी पसंद नहीं करते और अकेले रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन अकेले में रहना पसंद करने के बाद भी ये लोगों की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कोई भी काम ये अकेले नहीं कर सकते हैं। सिग्मा मेल्स अकेले में रहकर अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। सिग्मा मेल्स को किसी भी तरह की सोशल अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें अल्फा मेल्स की, तो उनकी एग्जिस्टेंस और अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए इन्हें सोशल सर्कल की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिग्मा मेल्स जहां जाते हैं, वहीं पे सोशल सर्कल क्रिएट हो जाता है। रूल नंबर टू, दोस्तों जैसे कि अल्फा मेल्स सिर्फ ग्रुप में ही अपनी लीडरशिप की एग्जिस्टेंस को दिखा पाते हैं, अगर उन्हें वो रिस्पेक्ट या लीडरशिप नहीं मिलती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं या सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। लेकिन सिग्मा मेल के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें जहां भी जैसे भी अपने आप को सर्व करने का मौका मिलता है, वहां वो जरा सा भी नहीं चूकते हैं। यही कारण है कि सिग्मा मेल्स काफी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। रूल नंबर थ्री, सिग्मा मेल्स को जोखिम लेना बहुत पसंद है। उनका मानना होता है कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बस यही सोच के वो बड़े से बड़े रिस्क के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरों के प्रॉफिट या जो उनके लिए अच्छा होता है, उनको ध्यान में रखकर ही सिग्मा मेल्स रिस्क लेते हैं। रूल नंबर फोर, सिग्मा मेल्स हमेशा खुद को पहली प्रायोरिटी के तौर पर देखते हैं और खुद पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां अल्फा मेल्स दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सिग्मा मेल्स अपने स्ट्रेंथ को अपग्रेड करते हैं और अपनी वीकनेस को खत्म करने के लिए उस पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्फा मेल्स अपनी स्ट्रेंथ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी वीकनेस को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। रूल नंबर फाइव, सिग्मा मेल्स किसी से भी उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उम्मीदें उन्हें हर्ट कर सकती हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकता है। और वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में चैलेंजेस लाने हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ही इंसान से उम्मीद रखनी होगी, और वो है खुद से। रूल नंबर सिक्स, सिग्मा मेल कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। अक्सर लोग अपने दुश्मनों से काफी जलते हैं, उनके बारे में बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन सिग्मा मेल ऐसा नहीं करते। वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा सिग्मा मेल्स कभी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, वो सबको बराबर रिस्पेक्ट करते हैं। रूल नंबर सेवन, सिग्मा मेल्स किसी भी ट्रेंडी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। आमतौर पर लोग जो ट्रेंड में चलता है वही करना पसंद करते हैं, लेकिन सिग्मा मेल्स ऐसा नहीं करते हैं, जो उन्हें और लोगों से यूनिक बनाता है। दरअसल सिग्मा मेल जो करते हैं वही ट्रेंड हो जाता है, जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा यूनिक बनाते हैं। रूल नंबर एट, दोस्तों अगर हम अल्फा मेल्स की बात करें, तो वो अपने ग्रुप के लीडरशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा प्राउडली हो जाते हैं और शो ऑफ करते हैं कि वो सबसे टॉप पर हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिग्मा मेल्स एक यूनिक लीडरशिप को फॉलो करते हैं, जो एक लीडर की तरह नहीं, बल्कि लोगों को उनके दोस्त या भाई की तरह ट्रीट करता है। और वो ये सब लोगों को अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि वो उनके नेचर में ही होता है। वेल, आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप सिग्मा मेल हैं या नहीं, और अगर हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, बताइए कमेंट करके।